बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आए मैं आपका अपना घर में उगाया हुआ जो है लुकाट का दरख्त, उसमें मेरे लुकाट देखें बिल्कुल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मैं इनको प्लग कर रही हूँ। रोज़ा खुलने से पहले मैं कहती कुछ इनको तोड़ लूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा मेरे लुकाट हुए हैं, इन्होंने बड़ी हिफाजत की है इस पौधे की। ये देखें आप, ये इधर से उतारे, ये देखें कितने पके हुए हैं। तो जो कच्चे हैं वो मैं छोड़ दूँगी, जो ही धूप से ना ये पक जाती हैं। तो यासर जी उतारा, यासर जी देखें ये उतारे होंगे पके हुए। ये देखें आप, ये देखें यासर जी दिखाएं कितने पके हुए हैं ये लुकाट मेरे। हाँ ये देखें, तो मैं रमज़ान में ये लुकाट का आप शरबत भी बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं। ये देखिए, ये अगर ज़्यादा देर रखे रखे तो ये परिंदे जो है ना, ये आके इनको चूचे मारते हैं अपनी बीक्स और सारे ये ख़राब कर देते हैं। इससे बेहतर है कि आप टाइम पे इनको ना उतार लें। एक बास्केट ले लें आप, ये देखिए मैंने एक बास्केट रखी हुई है, ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो आप इससे एक बास्केट ले कर, और थोड़ी सी अगर ऊँचाई है तो कोई आप अपनी स्टेयर ले लें, उसमें ये आप ना प्लग कर करके, तो इसमें आप साथ साथ प्लग करते जाएं, क्योंकि ये बास्केट इधर कीजिएगा यासर, इसमें मैं डालूँ। पहले आप यहाँ से उतारें, यहाँ ये वाली साइड है ना, यहाँ से पक्के पक्के उतारें। ये अब ये देख सकते हैं, ये देखिएगा ये मैं उतार रही हूँ। तो आप भी घर में ऐसे पौधे लगाएं जो आराम से ग्रो कर जाएं, आराम से वो उग जाएं, इनको ज़्यादा धूप चाहिए उस तरफ इनको लगाएं, तो घर का फल जो है बहुत अच्छा होता है। ये मैं आपको और दिखाती हूँ, ये मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें ये लुकाट, ये मेरे लुकाट देखिएगा, ये देखिए मेरे लुकाट। तो व्यूज, आपको मेरे ये लुकाट का दरख्त कैसा लगा मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा। और आप भी अपने घर में लुकाट लगाएं, इसका बीज जो होता है ना, ये जो इसके ये आप खोलें इसका जो बीज है, ये आप आराम से घर में किसी पॉट में लगाएं, तो कुछ दिनों के बाद उसका टाइनी सा पौधा बन जाएगा। वहाँ से उतार के आप किसी अच्छी जगह पे जहाँ इसको धूप मिले, रोशनी मिले, पानी अच्छा मिले, तो वहाँ इसको ग्रो करें। और ये दो साल के बाद जो ही जो बड़ा होता है साथ ही फल देना शुरू कर देता है। तो आप ये देखें फल से भरा हुआ है, आप ऊपर से देख सकते हैं, ये देखें। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, फिर इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।